कोरोना का फायदा उठा रहे हैं चीन के निजी अस्पताल। बीजिंग के अस्पताल में एक दिन की फीस 1,78,000 युआन। बीजिंग में मनमाने दाम पर ऑनलाइन बेड की बुकिंग। जाहिर है वहां जहां रिसोर्सेस कम होंगे, लोगों के पास पैसा होगा, वहां मारामारी बचेगी। और अगर बिस्तर नहीं होंगे, रिसोर्सेस नहीं होंगे, कम होंगे, तो उसके लिए बोलियां लगेंगी। जो ज्यादा पैसे फेंकेगा उसके लिए रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। और यह चाइना में दिखाई देने लगा है। यह है कम्युनिज्म, चाइना का कम्युनिज्म। और अगली अहम खबर यह कि कोरोना महामारी में चीन का अमानवीय चेहरा लगातार सामने दिखाई दे रहा है। चीन ने कोरोना संक्रमित बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ा। इपॉक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में किया खुलासा। इकोनॉमी और औद्योगिक ग्रोथ बढ़ाने पर चीन का फोकस। बुजुर्ग रहें या ना रहें, उनको फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर संजय राय के पास मैं चलता हूं। डॉक्टर संजय राय, खासतौर से डेमोग्राफी के हिसाब से ये जो बातें सामने देखने को मिल रही हैं, कंपेयर करें अगर हमारी सोसाइटी से, क्या दिखाई देता है सर? देखिए, चूंकि मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हूं, तो मैं डेटा पे बात करता हूं। जो डेटा, और डेटा हम रिलाई करते हैं कुछ ऑथेंटिक सोर्स से। WHO का डेटा जो है, हम हमेशा उसको जो है हर कंट्री का, अगर आज WHO का डेटा देखें तो हमारा 1,000 से कम जो है वो भी पिछले एक महीने से वो दिखा रहे हैं। तो चाइना का मैं देखता हूं तो करीब 25-26 हज़ार के आसपास केसेस वो पर डे आजकल रिपोर्ट कर रहे हैं, वीकली 1 से 2 लाख के बीच में। मे में वह जो है करीब 5 से 6 लाख के बीच में रिपोर्ट कर रहे थे, बट उसके बाद ग्रेजुअल डिक्लाइन है, सिर्फ जो है अक्टूबर को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन बाकी जो रिपोर्ट आ रही है वह कुछ और कर रही है, तो इसलिए जो है उस पर कमेंट्स करना, बट चाइना में ये होना था। उसका सबसे बड़ा वजह है उनका स्ट्रिक्ट लॉकडाउन टाइप पॉलिसी जो थी, जो उन्होंने केसेस बढ़ने नहीं दिया। अगर देखी तो पूरे 2 साल वुहान से ये आया था वायरस, दिसंबर 2019 में। मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा था सर, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, जब हम ये देखते हैं कि जो बूस्टर डोज ली हुई पॉपुलेशन इंडिया में है वो 27% है, वो उसको देखते हुए आप इंडिया की जो स्ट्रेंथ है नेचुरल इन्फेक्शन, हमारे पास जो एविडेंस है वैक्सीन सीवियरिटी और डेथ कम करता है, बट उसकी लिमिट है 6 से 8 महीने 9 महीने तक, इसीलिए बूस्टर हम देते हैं। नेचुरल इन्फेक्शन एक बार होने के बाद जो रिकवर्ड हो जाते हैं, जो सेकेंड वेव जिस तरीके से डिवास्टेटिंग था, तो लंबे समय तक उसका इम्पैक्ट होता है। इस समय जो हमारे यहाँ केसेस इतने कम हो गए सेकेंड वेव के बाद से, थर्ड वेव जो आया उसमें कोई हॉस्पिटलाइजेशन या मॉर्टलिटी नहीं हुई। तो अब ये इतना नया वायरस नहीं है, 3 साल पुराना वायरस आ गया, और हमें साइंस पे ये करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल था सीवियरिटी डेथ रोकने में, जब पॉपुलेशन पूरी तरीके से सशक्त था। चाइना में डेथ हाहाकार मच जाती अगर इतनी वैक्सीन उन्होंने नहीं लगाया होता। उन्होंने 346 करोड़ से ऊपर जो अवेलेबल है वैक्सीन लगाया है, इसलिए कम है अभी इतनी हुई है डेथ, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ। राइट, चाहे चाइना हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो। ये आपकी बात इसलिए भी सही लग रही है सर कि ये असल में जिन सोसाइटीज का, कम्युनिटीज का इस वायरस के लिए एक्सपोजर और डेडली तरीके से एक्सपोजर हो चुका है, वहां पर ये उतना खतरनाक नहीं होगा। ये जरा देखिए, हम बता रहे हैं आपको, पहली बार अगर आप ये सोच रहे हैं कि BF17 जो है, BF7 माफ कीजिए, ये अचानक सामने आ गया, ऐसा नहीं है। दिसंबर 24 नवंबर 2021 में पहली बार इसको पहचाना गया। ये तब 24 नवंबर 2021 को पहली बार ओमिक्रॉन का ये BF7 वेरिएंट ये पहचान लिया गया। चीन में हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि वहां पर सोसाइटी को, आप जानते हैं, क्वारंटाइन कर दिया गया था, आइसोलेशन में रख दिया गया था, जीरो कोविड के नाम पर। उनका एक्सपोजर भी नहीं हुआ और ना ही वैक्सीन का कवरेज उतना हुआ जितनी पॉपुलेशन में होना चाहिए, और ना ही उनकी जो वैक्सीन है वो उतनी इफेक्टिव है। यही वजह मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं, चीन की कोविड पॉलिसी आइसोलेशन पर, क्वारंटाइन पर निर्भर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में, अस्पतालों के प्रबंधन को, वहां बेड इंक्रीज करने को लेकर, वहां दवाइयां उपलब्ध कराने को लेकर, हॉस्पिटल स्टाफ को ऑगमेंट करने को लेकर कुछ दिखाई नहीं दिया, और इसीलिए वो हाल वहां देख रहे हैं आप। वैक्सीन, वो दोनों ही वैक्सीन जो वहां मुख्य तौर पर लगाई गई हैं, वो दोनों ही वैक्सीन कहा जा रहा है कि उतनी प्रभावी नहीं साबित हुई हैं, और
पहले के संक्रमणों से इम्यूनिटी वहां पर बनी नहीं है, वैक्सीनेशन ड्राइव भी वहां पूरे पूरे तौर पर इफेक्टिव नहीं रही, और इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट यह रहा है कि वहां जो अभी देख रहे हैं आप वो होना ही था। यहां देखिए आप तीन दुनिया का कोरोना ग्राफ अभी क्या दिखाई देता है, तीन से नौ नवंबर तक ये 353,535, 10 से 16 नवंबर 386,433, 17 से 23 नवंबर 441,264, 24 से 30 नवंबर 474,000। अब ये देखिए जरा 1 से 7 दिसंबर 541, 8 से 14 585, 15 से 21 576, एक्टिव केसेस 2 करोड़ से ऊपर। अब ये जो कुल मिलाकर स्थितियां दिखा रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि निश्चित रूप से वर्ल्ड वाइड एक 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 विस्फोट सा दिखाई दे रहा है, केवल चाइना में नहीं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर संजय आपसे ही, क्या इसका मतलब यह है कि ठंड के दिनों में क्योंकि रेस्पिरेशन से संबंधित बीमारियां वैसे भी ज्यादा बढ़ती हैं, क्या उसको उसमें रखना चाहिए, इस वजह से पूरी दुनिया का यह हाल है? नहीं, देखिए सार्स कोरोना वायरस 2 के बारे में नहीं कह सकता। अब याद कीजिए 2021 अप्रैल में गर्मी अपने चरम सीमा पे थी और हमारे यहां जो है कहीं एक बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ये हाल थी। तो पूरी तरीके से गर्मी था। हर सीजन में इसका ये जहां जहां इम्यूनिटी गैप होगा आरएनए वायरस ही म्यूटेट करता रहेगा। आपको याद होगा जब थर्ड वेव की बात हिंदुस्तान में की जा रही थी, कई हॉस्पिटल को बंद कर दिए गए थे, उस समय भी मैंने कहा था कि बहुत ही अनलाइकली है कि हमारे हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ बढ़ेगी उस समय, जबकि वैक्सीनेशन कवरेज उतना नहीं था क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका था। सुन लीजिए, अभी भी जो आप लोगों ने कहा कि जनवरी में आने वाला है कोई बहुत बड़ा वेव और परेशान करेगा, मुझे नहीं लगता, कहीं से कोई एविडेंस जनरेट नहीं करता, वेरी अनलाइकली है कि जनवरी में कोई बहुत बड़ा वेव आके हमें परेशान करने वाला है। वेरी अनलाइकली आपको अश्योर करता है सर, लेकिन आप वेरी अनलाइकली कहते हैं तो उसमें भी गुंजाइश है, वो कंप्लीटली निगेट नहीं किए जाने वाली स्थिति जो है उसमें अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है, हमको सतर्क रहने की जरूरत है।